Friends, welcome to my channel Tech Toys, and today I'm going to show you some 3D puzzles. तो ये है वो 3D puzzles, और इसमें अलग अलग प्रकार भी है, जैसे कि ये है जहाज है, इसमें ship है, और ये कुछ tree house है, और ये भी कुछ एक simple house है, home, और काफी अच्छा है. तो इसके अंदर generally चार sheets आते हैं, चार शीट्स और पार्ट्स भी इसके 36 पीसेस के आसपास होते हैं. तो ये पार्ट्स ऐसे निकालने पड़ते हैं शीट्स के अंदर से, तो सीएनसी कटिंग पे ये बनते हैं. और बिल्डअप क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ड्यूरेबल भी है, लेकिन थोड़ा डेलिकेट है, नाजुक है, और बच्चों की क्रिएटिविटी इससे बढ़ती है. और यहाँ पे नंबर्स भी साथ ही उसके साथ नंबर्स दिए हैं हर एक पार्ट को, तो वो नंबर्स के हिसाब से सेम सेम नंबर वाले जुड़ते हैं. तो मैं अभी एक ट्री हाउस बनाने वाला हूँ. बात कर लेते हैं इसके कीमत की, तो ये 120 रुपये के अंदर ही आपको मिल जाएगा किसी भी रिटेल शॉप पे 3D पजल, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो 3D पजल नाम से. और यहाँ पे एक ईगल का भी है, तो ये ज़्यादा इसकी सेलिंग ज़्यादा है, ऐसा ईगल ईगल यहाँ पे बनता है. और इसके पार्ट्स भी है, काफ़ी अच्छी बिल्डअप क्वालिटी भी है इसकी. और यहाँ पे क्लियरली लिखा है डेलिकेट डिज़ाइन और रिफाइंड मेकिंग, डू इट योर सेल्फ, तो क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अच्छा है. और अभी मैं आपको ट्री हाउस बना के दिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं. पजल्स, तो ये ट्री हाउस है, ये यहाँ पे ईगल है, और ये यहाँ पे एक और हाउस है, ये अलग प्रकार का ट्री हाउस है, और यहाँ पे है शिप. तो ये 3D पजल है, और इसकी डिफ़िकल्टी इंडेक्स भी यहाँ पे दी है, 4-स्टार रेटिंग से, और चार शीट्स और 36 पीसेस आते हैं. तो ये जो है पुट्ठे का है कार्ड शीट्स. और फीचर्स की बात करें तो एजुकेशन थ्रू प्लेइंग, डेलिकेटली डिज़ाइन, रिफाइंड मेकिंग, तो काफ़ी अच्छा है. ये जो पुट्ठे हैं ये रिसाइकल भी किए जाते हैं, और बिल्डअप क्वालिटी भी अच्छी है, थोड़े से नाजुक है, लेकिन क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए अच्छे है. यहाँ पे लिखा है डू इट योर सेल्फ, एजुकेशन थ्रू प्लेइंग, और पीछे के साइड्स में दिखेगा अभी ये यहाँ पे है. तो मैं अभी एक सिंपल सा हाउस बनाऊंगा, तो ये ट्री हाउस मैं अभी बनाऊंगा. सो लेट